Hi, how are you? Hi, very good. Awesome. क्या व्लॉग इधर से बनाना चाहूँ? पहली बार मैं बोला कि करते हैं, बहुत मेहनत है नहीं तो अमृता अग्रीड. बढ़िया. तो मैं तो कर नहीं पाता. Awesome. चलें ऊपर. ये लिफ्ट मस्त है, उधर से बंद होता है, इधर से खुलता है. Exactly. चिड़िया की वजह से आपको जोक अच्छे आते रहेंगे ना माइंड में. Sagar, hi. They're Chess Based India company and chess karte hain wo log. Chess karte hain. Kya hua ki idhar Biswa hai, samay nahi hai, to main bola samay ko leke aate hain Biswa ke liye. Wow. So ye dekho. This is a digital chess timer because Biswa now has a chess board. Although I have also brought a chess board. Crazy. But this is a chess timer. So ye phir timer ke sath khel sakte hain. आपके पास है टाइमर? मैं तो फोन पे लगा के करता हूँ. हाँ, तो ये बेटर है क्योंकि ये ऐसे प्रेस कर रहे हो, जो फील रहेगा ना ऐसा. करेक्ट. कभी टाइम प्रेशर में. या. और ये आपके लिए. वाओ. सॉरी, ये भी डालना पड़ेगा. यस. मेरा मेन एम है कि बिस्वा को कॉमेडी से निकाल के चेस प्लेयर से जीएम बना देगा. सो आई ब्रॉट दिस चेस बोर्ड. वाओ. दिस चेस बोर्ड इज द मोस्ट बेसिक चेस बोर्ड आउट देयर, बट इट्स वेरी इजी टू कैरी. इसके लिए you can use this and chess pieces भी है. Wow. तो आज हम लोग खेलेंगे एक गेम. This is amazing, brother. Thank you, Chess Based India. Thank you so much. Bye, comedy. Bye. Thank you से नहीं चलेगा, हराना पड़ेगा. Now we are at a very important tournament. Plus 3 second increment है, ठीक है, per move. तो मैं ऐसा धड़का के मार के चला सकता. There is no handicap of pieces or time right now. Biswa wants to play equal match and I'm hoping that Biswa crushes Sagar Shah. चलो भाई. All right, get going. All the best. कैसे करते हैं, रुको एक second. बढ़िया. ये तो चेस प्लेयर ही है. एक एक बात नहीं कर रहा है. ओह मैन. बिस्वा के साथ सॉलिड खेलेंगे हम. बिस्वा ये कैसलिंग रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि पहले किंग को टच करेगा, रुक को किया तो ऐसा मूव हो जाता है. टाइम जा रहा है आपका. कैसे बोल के रख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट में किया ना तो ये मूव खेलना पड़ेगा. ओह वाओ. सो यू हैव टू प्ले किंग, अदरवाइज रुक एफ1 किया तो बोलो रुक एफ1 हो गया. वाओ. क्या मजा आ रहा है खेलने को. स्टूडेंट के साथ खेलने का मजा ही अलग रहता है. कुछ तो टैक्टिक्स वगैरह है जिससे मैं बहुत जल्दी मेट हूं, मुझे पता है कि मैं हुआ हूं सीन करने में. Your schooling was in Odisha? Yeah. You studied there and you studied in some place where there was no English, right? That was when I was very young. I studied in the Odia medium schools. So there were some schools very early in my life jidhar wo English ko matlab pura school mein Odia medium school mein English mein nahi padhate hain, but there is the English subject rehta hai, but nobody talks in English. Wo English teacher English ko Odia mein translate karke padhate hain. So that's the thing. So mere ko I knew English but main bolta nahi tha, matlab I never spoke it. So then how did you reach IIT and you went to Kharagpur, right? हाँ, तो IIT में क्या होता है ना, English का exam नहीं होता. No, but it's true. Like बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से आते भी हैं. मेरे हिसाब से IIT का हिंदी में क्वेश्चन पेपर भी बनता है.
So if you want, you can choose that paper and write that also. तो वो भी होता है. So I don't think that's a big barrier. Honestly, मैं रोज एक महीने में I learned all the terms. Teacher लोग को doubt हुआ तो उसे तो समझाते थे. मतलब you were very smart academically doing IIT. There is three factors. You need to have certain level of grasp of concepts. Then there is a luck factor कि मान लो आप 11, 12 में prepare कर रहे हो, but आपका तबीयत खराब हो गया. तो फिर आपका नहीं हो सकता ना, आपका 6 महीने बर्बाद हो गया. सो देर इज लाइक ह्यूज लक फैक्टर एंड देन देर इज योर हार्ड वर्क. यू ऑब्वियसली हैव एंड एक्चुअली आई विल कॉल इट स्मार्ट वर्क. और एक चौथा फैक्टर भी है कि हमारे से पहले ना मेरे बैच से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आते थे. वो अगर होता तो मैं फेल हो जाता, क्या है कि मैं उसमें गलती कर देता. ऑब्जेक्टिव में क्या है ना, फिर थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बन सकते कि ये दोनों एलिमिनेट कर दिया 50-50 चांस है, वैसा करके क्लियर कर. सो यू वेंट इनटू आईआईटी और फिर आपने वहां पे पढ़ाई किया. यू बिकेम एन इंजीनियर. Which engineering did you do? Biotechnology. Or I'll just correct you, मैं IIT में पढ़ाई नहीं किया. बस IIT गया, टाइम पास किया उधर. कुछ पढ़ाई नहीं किया. बिस्वा फुल प्रोफेशनल प्लेयर है यार. चांस दे नहीं रहा इजीली. उसका पोस्चर सेम बॉबी फिशर जैसा है यार. अरे गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा घोड़ा देखो, यहाँ से जाके यहाँ 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 ऐसा खेलोगे वाला टूर्नामेंट में? अरे तो मैं तो ठीक ही खेल रहा हूँ, वो अच्छा खेल रहा है. So during IIT you were in the some other mind frame only, I'll become. मैं गिटार बजाता था बस बैठ के. अच्छा. टाइम पास करता था. But what was your aim? What did you want to become then? I was not sure. Like every young person is not sure. So कुछ करता था, फिर वह जॉब वॉब लग जाएगा, ठीक हो जाएगा. So फिर जॉब किया आपने? हाँ जॉब किया ना. I did 4-5 jobs. 4 किया शायद. अच्छा. Yeah, but like similar graphic design करता था. And so I worked for 3-4 years. आपने मतलब comedy कैसे शुरू किया? Oh comedy. So actually मैं school वगैरह में करता था, teacher लोगों का mimicry करता था. I actually wanted to be a writer. बाद में जब मैं लिखता था ना तो मेरा patience नहीं रहता था, सब चीज़ छोटा छोटा करके funny बनाता था बस. When I was doing my first job, I had a bunch of jokes. और जो भी मेरे पास रहता था वैसा छोटा छोटा जोक्स आता था, मैं Facebook पर डाल देता उस टाइम पे. तो आई हैड सम जोक्स, तो मेरे को ऐसा पता चला कि ओपन माइक करके कुछ हो रहा है. तो आई वेंट एंड ट्राइड इट देयर. देन मज़ा आया, लोग हंसे. पहली बार नहीं हंसे, सेकंड थर्ड टाइम पे हंसे. एंड देन मज़ा आया एंड आई वाज लाइक ये करते हैं. एंड आई वाज डूइंग इट फॉर टाइम पास. देन एट सम पॉइंट आई रियलाइज्ड ये कर सकते पूरा टाइम. Oh, Biswa on fire. अरे भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास, 3-3 सेकंड के इंक्रीमेंट में क्या ही होगा मेरे जिंदगी का. ओ यार Biswa इसको याद भी है ऑफिस और इतना टेंशन भी. अरे यार मेरा टाइम खत्म हो रहा है. कोर कोर कुछ तो हो जाएगा. कुछ खेलो 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 खेलो. तो ये नहीं खेलना है. गुड मूव बट गुड मूव मूव बढ़िया है. खत्म. अरे टाइम खत्म हो गया यार. सॉरी बट बढ़िया खेला. मतलब चलो मटेरियल इज इवन. रियली देखो इवन मटेरियल 5 पॉन ईच. ओके पोजीशन इज स्लाइटली वर्स फॉर यू आई थिंक मच वर्स बट स्टिल इट इज अ ग्रेट ग्रेट फाइट. अब तो क्या ही टाइम तो क्या ही है. हम लोग उससे पहले कॉमेडी करते थे ओपन माइक में. देन प्रिटेंशियस आया तो ऑनलाइन डाले उसको. रियलाइज टिकट्स बिक रहे हैं तो पैसे भी आ सकते हैं. सो फिर शुभ मारा होगा. But then when you did this pretentious movie review, it was just for fun, right? It was not something planned. Actually, tab tak Kanan had quit his job. So it was more, Kanan was putting most of the effort. And we liked writing together. So maybe thousand videos.
he used to edit, who used to shoot at his house. So it is more of his baby. And उस time मेरा YouTube channel भी नहीं था. He was the one that had the YouTube channel, the enthusiasm. तो तब तक he had quit his job. He was very sure कि मेरे को comedy करना है. That's the thing. तो ऐसे चालू हुआ. How did you evolve as a comedian? How did you improve your comedy? So इसका कोई ऐसा मतलब magic answer भी नहीं है. It's just time. Because there was no front row course by Biswa at that point, which you could watch. Yeah, but there was a book called Comedy Bible by Judy Carter. So I read that. That gave me a lot of insights. And mostly, honestly, just practice. Like if you go on stage 3-4 times a week, you'll learn. So what would you say is your comedy type? It's the absurd storytelling comedy, but also observational. ऐसा कुछ बोल सकते हैं. हाँ वही मतलब it's absurd. Like I've not seen many comedians like you. So this is like a very unique. Thing you developed, right? More body. पता नहीं वो मतलब मेरा चेंज ही होते रहता है हर साल एक नया स्टाइल बन जाता है सो आई डोंट इवन नो कि एग्जैक्टली वो स्टाइल है नहीं है आई थिंक इट्स मोर फ्री फ्लोइंग लाइक ये साल ऐसा फील आ रहा तो ऐसा लिखते हैं फिर एक साल मेरे को स्टोरीज बोलने थे मेरे स्टोरी बोलने मजा आ रहा था तो ऐसा कर रहा था आई डोंट थिंक देयर इज लाइक आई थिंक माय स्टाइल विल डेवलप एंड सॉलिडिफाई इन नेक्स्ट 5-6 इयर्स अभी तो ऐसे जो भी मन में आ रहा होगा So what's your next plan now? To continue doing what you're doing right now? Chess. बस चेस में थोड़ा पैसा आ जाए बस मैं चेस में शिफ्ट मारा कोई मतलब नहीं है कॉमेडी होने से What is it about chess that attracts you so much? भाई क्या मस्त टाइम वेस्ट होता है क्या होता हूँ सुबह से उठो दर्द 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 रात भर कुछ काम करने की जरूरत कभी ऐसा फील नहीं हुआ आपको कि मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं व्हाट एम आई डूइंग आई एम एक्चुअली अ वर्ल्ड रेनाउंड कॉमेडियन एंड हियर आई एम हियर आई एम प्लेइंग चेस रेटिंग बढ़ रहा है 1400 फिर सडनली 1300 फिर क्या मतलब व्हाट इज इट दैट अट्रैक्ट्स यू इन द गेम आई नो दैट टाइम पास होता है बट समथिंग भाई सच बता रहा हूँ बहुत टाइम पास होता है कॉमेडी में बहुत फ्री टाइम है ठीक है अभी 7 बजने को मेरा काम चालू नहीं हुआ दिन का तो मैं सुबह से कुछ तो करेगा ना बैठ के सो या फुल टाइम पास best time pass and competitive time pass love it boss and there's also this thing about you that whatever you try to do it really well jaise aapne kabhi to painting wagera shuru kiya tha you wanted to become like you started making sketches of people hai na so like whatever you try to do you want to become very good at it no I think obsessive behavior just aisa kuch chalu kiya wahi karte rehta ऐसा कुछ नहीं है कि I want to become really good. I want to have fun. That's mostly. But then having fun, then how do you like come to the class? Like we do these sessions, which are also quite tough. Like they are not just chill, enjoy. They are like grinding and all of it. So but it's. But मजा आता है ना उसमें. It's a different kind of fun. Like yeah, you like yeah. to grind basically. Yeah, दिमाग चलाने में बहुत मजा नहीं आता है. Mm-hmm. बैठ के it's like a new skill you acquire. No, it feels very good to learn. मजा है. एक्चुअली इसमें दिमाग मेरे चल नहीं रहा है ये बोर्ड पे हाँ क्योंकि पहली बार खेलूँ ना मतलब थोड़ी देर लगा मेरे को ये आपका फर्स्ट ओवर द बोर्ड गेम रहेगा ना नहीं खेला है पर निर्माण और वैभव के साथ खेला है ना हाँ. Similar हुआ ना when we met Suhani and Karan Singh also they were also saying this 3D board पे अलग ही feel board पे अलग ही feel एक बार इसको analyze करेगा I think that's great, no? When you, like, if you stop learning, it's very boring. But as an adult, you get to learn something so completely different. And I think anything you learn, and this is मेरा एक दोस्त है उसने ये मेरे जहाँ में क्लियर किया था सौरव घोष करके मेरा दोस्त है उसने बोला anything you learn comes to use in everything else. So even if you learn discipline in chess कि ऐसा पूरा सोच के करना चाहिए that can be used in driving also. Yes. Right. So that's the thing. So the something that you learn in chess can be used in your comedy also. You feel yeah. so? Yeah. Do you already see some kind of a synergy? Yeah. 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 It's a good like chess. I think at the basic level, आपका thought process बहुत clear करता है. मतलब you need to have clarity of thought to play chess, right? You have to have big picture, small picture, etc. etc. I'll tell you one more thing why I really like chess right now is because I never played any sports in my life. Sports का जो मजा है ना, वो मैं cricket खेलता था, फट से out हो जाता था. So I never had like team game. शायद is not something that team game is fine. Physical games में I'm very bad. My hand-eye coordination is horrible. So and I don't like video games. बहुत टाइम वेस्ट लगता है किसने बना दिया तुम उसी के अंदर जा रहे हो सो आई डोंट लाइक इट बट इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील आई कैन बी गुड एट अ गेम
यू नो लाइक आई एम नेवर बीन गुड एट ये फुटबॉल टेनिस होता ही नहीं है बट चेस में आई कैन बी गुड सो दैट गिव्स द जॉय ऑफ लाइक जॉय ऑफ विनिंग देन हार्ट ब्रेक ऑफ लॉस बट ओवरऑल मजा बहुत आता है People who are very creative, they are always in their own world. And the same is also said about chess players. So you have actually, pehle you are creative, so you are always thinking about some things. Now you are into chess. So ye aap apni dunya mein rehte ho. It must be difficult, yeah, for people. Especially, let's say, Sulagna, your wife. I mean, she is also an actor, so she is also a creative person. So wo bhi apne dunya mein rehte ho. So, that was the question, actually. Ki you love fun, having fun, and then you decided to get married. Wow. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि अभी शादी को एक महीना हुआ है नो बट शी ऑल्सो लाइक्स हर ओन थिंग्स लाइक उसको गार्डनिंग वार्डनिंग में बहुत मजा आता है सो शी डज ऑब्सेसिव गार्डनिंग उसको भी मजा आता है ऐसा सो शी ऑल्सो गोज डीप इनटू थिंग्स अरे मैन शी वॉचेस फिल्म्स लाइक क्रेजी यू नेम अ फिल्म शी हैज वॉच्ड अच्छा सारा फिल्म देखना है उसको दुनिया में एंड नॉट ओनली इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज का पिक्चर उसको देखना है So, yeah. Amazing. And so, today you are performing here yeah. at that comedy club. यहाँ पे जाके you will perform. Do you feel at home now that you are back on stage? ऐसे? Yeah. Like first day was a little weird, but then back in rhythm, all good. So अच्छा लग रहा है. बढ़िया एंड सो ऑल द बेस्ट बिस्वा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मजा आया क्या अमृता क्या चल रहा है अच्छा लगा तेरे से बात करके चल बाय ओह माय गॉड दैट इज सो फनी ओह दैट्स ऑसम अरे अमृता बहुत बोर हो गया तेरे साथ अभी मैं दूसरी लड़की के लिए जा रहा हूँ बाय बाय फेल फेल कंप्लीट फेल चलो एक और खेलना है क्या अमृता के साथ आजा अमृता